हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है करने धमाकेदार वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें। आज हम एक विषय के साथ उपस्थित हुए हैं, ठीक है भैया? वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। चलिए जी, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। ती 5 अध्याय के 27 वचन से लेकर 30 वचन तक हम बात करेंगे, ठीक है भैया? तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर दृष्टि डाले, गंदी दृष्टि डाले, वो अपने मन में उसे व्यभिचार कर चुका। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। और यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। गलत काम, गलत सोच, गलत विचार, गलत काम, गंदे काम, ये सब काट कर फेंक दो। ना कि आपको हाथ काटना है, पैर काटना है, ये गंदी लते आपको छोड़ दो। 24 अध्याय के 15 वचन से लेकर हम 30 वचन तक बात करेंगे, ठीक है भैया? तो जब तुम उजाड़ने धड़ित वस्तु जो जिसकी चर्चा दानियल भविष्यद्वक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़े भी देखो, जो पढ़े वह समझे। धड़ित वस्तु वह है जो पशु जो मंदिर में बैठाया जाएगा, वह पूरी दुनिया में 666 की छाप देगा। मत्ती 24:16। तब जो यहूदी में हुए पहाड़ों पे भाग जाएं, जो कोठे पर हों वह अपने घर में सामान लेने को न उतरें, और जो खेत में हैं वह अपना कपड़ा लेने को पीछे न लौटें। यहाँ क्यों ऐसा लिखा है कि जो यहूदी में हों जो खेत में हुए अपना कपड़ा लेने के लिए पीछे न लौटें? क्योंकि उस समय 3.5 साल ही बचेंगे महाक्लेश काल के, उसमें 7 कटोरे उंडेले जाएंगे 7 वर्ष में, जो यीशु के साथ आगमन में नहीं जा पाएंगे, कुछ ना कुछ पाप करके रह जाएंगे, उनके लिए हाय हाय। जैसे मत्ती 24:19-20 में लिखा हुआ है, हम पढ़ देते हैं बाइबल से प्रूफ। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी उनके लिए हाय हाय, और प्रार्थना किया करो कि तुम्हें जाड़े में या सप्त के दिन भागना ना पड़े। यहाँ यीशु ने ऐसा क्यों कहा था? तो सुनो, किन दिनों में, यानी मसीह विरोधी के दिन में, जब वह पशु छाप देगा, मंदिर में बैठाया जाएगा, तब लोग अपने आप को बचाने के लिए इधर उधर भागेंगे, बचाने के लिए अपने आप को। उस पशु का दिमाग काम नहीं करेगा, उसका दिमाग काम करना बंद हो जाएगा, इसलिए उसका नाम पशु होगा। एक दूसरे को मरवा डालेगा, अगर कोई इसकी छाप नहीं लेगा तो मरवा डालेगा। तो लोग यीशु के, जो लोग यीशु के साथ नहीं जा पाएंगे उनके लिए कोई आस की किरण नजर नहीं आएगी। और उस समय, उस 7 वर्ष में, मसीह विरोधी के दिन में, जिस किसी स्त्री के पेट में बच्चा होगा उसका क्या हाल होगा? मारी मारी भागी भागी फिरेगी, त्राही त्राही मची होगी मसीह विरोधी के दिन में। प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय के 5 वचन में लिखा हुआ है, और जब उसने तीसरी मोहर खोली, किसने खोली? मेमने ने खोली, पर भी यीशु मसीह ने खोली। तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते सुना कि आ, और मैंने दृष्टि की और देखो एक काला घोड़ा है, और मैंने उन 4 प्राणियों के बीच में से एक शब्द यह कहते सुना कि दिनार का शेर भर गेहूँ, यानी दिन भर का शेर भर गेहूँ और दिन भर की शेर जव और तेल दाखरस की हानि न करना, दिन भर की मजदूरी की हानि न करना। और जब उसने चौथी मोहर खोली, किसने खोली? यीशु मसीह ने खोली। तो मैंने चौथी प्राणी को यह शब्द कहते सुना कि आ, और मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा है, और उसके सवार का नाम मृत्यु है, और अधलोक उसके पीछे पीछे है, और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डालें। जब परमेश्वर चौथी मोहर खोलेगा तब ये सब होगा। पीले घोड़े के सवार का नाम मृत्यु है, जिधर भी वह जाता है उसके पीछे पाताल भी जाता है। उसको यह अधिकार दिया जाएगा कि लोग तलवार से मारे जाएंगे और वन पशुओं के द्वारा मारे जाएंगे, मरी से मारे जाएंगे, अकाल भूख प्यास के मारे जाएंगे, वन पशुओं के द्वारा मारे जाएंगे। मसीह विरोधी के दिन वन पशु मनुष्यों को नोच नोच कर खाएंगे मसीह विरोधी के दिन में। इसलिए यीशु के साथ जरूर चले जाना, यहाँ मसीह विरोधी के हाथ में मत पड़ना, क्योंकि उस 7 वर्ष में खून के आंसू रोने पड़ेंगे। इसलिए तैयार रहना और यीशु के साथ जरूर चले जाना, पापों के दिन में मत खोना, दुनिया की भीड़ में मत खोना। जब यीशु मसीह आए तो उसके साथ जरूर चले जाना, क्योंकि यहाँ तो तड़पाया जाएगा 7 साल के लिए, और फिर उसके बाद जब परमेश्वर अंतिम न्याय करेगा श्वेत सिंहासन के सामने, तब उसको परमेश्वर अंतिम न्याय करेगा, तब उसको परमेश्वर हमेशा हमेशा के लिए वही शरीर पहना के परमेश्वर उसको नरक में फेंक देगा, जहाँ की आग कभी नहीं बुझती है और कीड़े कभी नहीं मरते हैं। जरा सोचो, जब आग कभी नहीं बुझेगी और कीड़े कभी नहीं मरेंगे तो क्या हाल होगा उस व्यक्ति का, जो व्यक्ति नरक में जाएगा।
इसलिए बचा लो अपने आप को उस नर्क की आग से और लौट आओ यीशु के पास, वो आपको माफ़ कर देगा। बुला रहा है परमेश्वर आपको, परमेश्वर किसी को नष्ट करना नहीं चाहता, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। जब आप खुद पाप करके उस नर्क में जाना चाहते हो तो उसमें परमेश्वर क्या करे भाई, शैतान का न्याय तो परमेश्वर ने पहले ही से कर दिया था, वो तो उस नर्क में जाएगा भैया, ऑलरेडी आपको बता दिया गया। क्यों आप उसकी आवाज़ सुनकर नर्क में जाना चाहते हो? वहाँ एक दो दिन के लिए नहीं डाला जाएगा, बल्कि हमेशा हमेशा के लिए युगानियों के लिए डाल दिया जाएगा और ऊपर से नर्क का ढक्कन बंद कर दिया जाएगा। अभी समय है, अभी अवसर है, लौट आओ यीशु के पास, वो आपको माफ़ कर देगा। आप सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की।